हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग को लेकर के है। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा। क्या है प्रोग्रामिंग, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट है उसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट ओपन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेलेक्टेड एरिया है, यहाँ पर बॉर्डर लग गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, क्या प्रेस करनी है, अल्ट के साथ F8, जो फंक्शन बटन होता है ना, अल्ट के साथ F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करते ही ये जो क्रिएट बॉर्डर्स वाला है मैक्रो, ये खुल जाता है। बस इसको रन करवा दीजिए, बॉर्डर ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे शीट पे जाकर के ये करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और जितने हिस्से पर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं उतना हिस्सा सेलेक्ट कीजिए और अल्ट के साथ प्रेस कीजिए F8 और फिर यही क्रिएट बॉर्डर्स वाला मैक्रो रन करा दीजिए। देखिए इस पे भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये बेहतरीन जो तरीका है ये हुआ कैसे, ये आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो मैं पहले इसे क्लोज कर देता हूँ, ये एक्सेल जो ओपन है इसे मैं क्लोज करता हूँ। मैं दोबारा से इसे ओपन करता हूँ, मैंने सेव भी नहीं किया इसे, तो यहाँ पर एक्सेल का 2007 ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, कहीं पे भी लगाना हो आपको, क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है यहाँ पर, ये अल्ट के साथ F11 प्रेस कर लेना है ताकि आपका ये जो विजुअल बेसिक जो विंडो है ये ओपन हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर न्यू मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। ये इंसर्ट किया और आपको एक कोड बताता हूं। देखिए ये कोड क्या है, छोटा सा कोड है, यहाँ आपको लिखना है सब क्रिएट बॉर्डर्स। अब ये क्रिएट बॉर्डर्स नाम से ये फंक्शन बनाया जा रहा है और यहाँ पे डिम सेलेक्टेड रेंज एज रेंज और नीचे आके सेट सेलेक्टेड रेंज इज इक्वल टू सेलेक्शन और फिर यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्टेड रेंज डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इज इक्वल टू X1 कॉन्टिन्यूअस और फिर एंड कर दीजिएगा सबको, ठीक है। तो ये करके और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वापस चलना है। अब कहां पर, अब ये तो कोड हो गया, चाहे आप इसे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया, चलिए बुक वन के नाम से नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बॉर्डर के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, बॉर्डर BORDER बॉर्डर के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया हमने और यहाँ पे यस कर दिया, तो अभी तो ये सेव हो गया। लेकिन अभी फायदा क्या हुआ इसका, देखिए ये सिलेक्टेड एरिया में तो बॉर्डर आ नहीं रहा है, तो आपको अल्ट के साथ एक शॉर्टकट की है F8, ये प्रेस करना है। देखिए क्रिएट बॉर्डर्स नाम से बन गया है ना, अब मैंने क्रिएट बॉर्डर्स के ही नाम से बनाया था। देखिए यहाँ पर जो है जब हमने कोडिंग करी है तो यहाँ पे क्रिएट बॉर्डर्स के नाम से बनाया है, तो हमें बॉर्डर ही तो क्रिएट करना है, तो इसीलिए क्रिएट बॉर्डर्स के नाम से बनाया है। और जब हम इसको यहां से, अब देखिए ये तो हमारा एक्सेल है, यहां पर आकर के जब इस मैक्रो को रन कराते हैं तो बॉर्डर अपने आप अप्लाई हो जाता है, तो है ना कमाल का वीबीए। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप देवरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।